हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजीत और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आपका नया साल शुभ जाए, अच्छा जाए, यही प्रार्थना है भगवान से। और मेरी न्यू ईयर की शुरुआत ऐसे होने वाली है कि मैं जा रहा हूं भगवान को। पहले तो मैं बता देता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा पूरा नाम है मंजीत महामुनी और मैं रहता हूं पुणे में। और मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी है। मराठी चैनल है मेरा, पर क्या है ना कि मैंने उस चैनल पर बता के रखा है कि जो जितने भी मराठी लोग बोलने वाले लोग हैं उन सबको हिंदी समझ में आती है, बोल भी लेते थोड़ी फार, मेरे जैसे थोड़ी फार ही बोल लेते। पर जिनको हिंदी आती है, प्रॉपर हिंदी बोलने वाले, उनको मराठी समझ में नहीं आती। और जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो सिर्फ मराठी बोलने वालों को दिखाना नहीं है, सभी को दिखाना है। इसलिए मैंने हिंदी में भी चालू कर दिया है अभी से, आज से, न्यू ईयर से। अभी मेरे घर के पास इधर न्यू ईयर पार्टी चल रही है, सारे दोस्त लोग, और हम भी हर साल करते हैं पार्टी। पर इस साल से मैंने सोचा है कि भगवान के दर्शन के लिए जाया करूँगा 1 जनवरी को, इसलिए मैं आज निकल रहा हूँ। अभी बजे है 12:15 होने को आए हैं और मैं और मेरी फैमिली निकलेंगे अभी अक्कलकोट को। वो जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के दो या तीन पार्ट बनेंगे, तो उसमें आपको मैं सारी डिटेल्स बता दूंगा। अक्कलकोट के जाने वाला हूँ, स्वामी समर्थ महाराज के टेम्पल में। उस जगह जाके आपको बहुत सारे डिटेल्स पता लगेंगे, सभी डिटेल्स दूंगा मैं, तो बने रहिए वीडियो में, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो निकलने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नीचे। ये पानी का जो कैन है वो हम कैरी करते हैं, मतलब मम्मी को और पापा को लगता ही लगता है ये घर का पानी, मतलब ऐसे किधर भी होटल पर रुकते हैं या किधर का भी पानी ऐसा ठीक नहीं ना रहता है, किसी किसी को प्रॉब्लम चालू हो जाता है, तो मम्मी और पापा के लिए ये कैरी करते ही हम। ये इतना बड़ा कैन, और मेरा भाई तो क्या किधर से ही पी लेते हैं। हमको मतलब जो यंग रहती है उनको आदत भी हो जाती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जो जिसका ज़्यादा थोड़ा सा उम्र बढ़ जाता है उनको प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है ना, इसलिए कैरी करते हैं। और हम जा रहे हैं इससे, ये मेरी सबसे प्यारी राम प्यारी। तो मैं नॉर्मली ये कार मेरी इससे, या फिर ये मेरी बाइक R15 V3, इन दोनों से ही ट्रैवल करता हूँ। तो अभी मैं पहले निकाल लेता हूँ ये कार, और ये हमारा शेरू। बाहर निकालने से पहले इसको बांधना पड़ता है, नहीं तो भाग जाते हैं कभी भी। तो भाइयों, अभी निकल रहे हैं हम, और मैं इधर खेड़शिवापुर के पास में रहता हूँ। जो सोलापुर हाईवे है ना, उधर बहुत भीड़ है अभी। मतलब दोस्तों का स्नैप वो आ रहे हैं, सभी पार्टी में है ना, अभी लगे पड़े हैं पार्टी में, तो सबके स्नैप आ रहे हैं, तो उसमें दिखाई पड़ रहा है कि बहुत भीड़ है, होनी भी चाहिए, 31st है। तो मैं पीछे वाले रोड से जाने वाला हूँ, सासवड़ बाईपास से, तो मेरे घर के पास में ही पड़ता है वो। अगर आप कातरस टोल नाका पे, खेड़शिवापुर टोल नाका पे आएंगे ना, तो उधर से सासवड़ बाईपास किसी को भी पूछेंगे, अगर इधर आसपास में रहते हो, खेड़शिवापुर, धायरी, नरे, इधर साइड में, तो आपको ये रोड पास में पड़ेगा। तो मैं भी उधर से ही जाने वाला हूँ अभी। पूरा सुनसान रोड रहता है, रात में थोड़ा सा रिस्क है, पर वैसे कुछ नहीं है, पूरे गाँव है, सासवड़ अच्छे अच्छे गाँव लगते हैं, ऐसा कुछ रिस्क वाली नहीं बात नहीं है, पर टू व्हीलर पर ज़रा प्रॉब्लम हो सकता है, कार में हो गए तो अच्छी बात है। तो उधर से जाना वाला, तो पहले मैं हम पेट्रोल भरेंगे बाहर जाके हाईवे पर और निकलेंगे। तो ये आया मेरा भाई सामान लेके, और मम्मी पापा आने वाले नीचे। तो क्या हो सकता है ना कि मुझे भी हिंदी नहीं आती, और कोई हम हिंदी नहीं बात करते ज़्यादा, तो ये मेरे इस चैनल पर जो भी वीडियो डलेगी तो उसमें हिंदी मराठी दोनों मिक्स होगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। सोलापुर रोड पर आ चुके हैं हम, अभी इधर थोड़ा चाय पीने के लिए रुके हैं। टाइम हो गया 2:15, आने में थोड़ा सा देर हो गया, अंदर रोड का काम चालू है इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अभी इधर चाय पियेंगे और निकलेंगे तुरंत। सोलापुर में मेरे मामा के पास रुकने का है, मामा को लेके जाने का है, वो भी आने वाला है हमारे साथ, और ये हार्ली अभी लगाने के लिए। तो चलते चाय पीते हैं थोड़ा सा, मतलब एक एक कप, और निकलते तुरंत। हो गया चाय पी के, बहुत ही बढ़िया चाय था। इधर टोल नाके के पास में ही है शिवाई करके, तो अभी निकलते तुरंत, अभी किधर रुकने का नहीं है, डायरेक्ट सोलापुर मेरे मामा के घर जाऊंगा, और उधर उसको लेके अक्कलकोट के दर्शन को जाऊंगा। अभी ये दोनों भी सो जाएंगे, पापा नहीं पर मेरा भाई तो सो ही जाएगा,
ये देखो ये शॉप का भी नाम वही है, श्री स्वामी स्वामी समर्थ। और मेरे पापा ने दूसरी बार चाय लिया है क्योंकि बहुत बढ़िया चाय मिलता है इधर, मिला है, पहली बार ही रुका हूँ मैं अभी। तो दोस्तों नेचर्स कॉल था इसलिए रुका था 5 मिनट। 100 किलोमीटर बचा है सोलापुर, सिर्फ 1-1.5 घंटा लगने वाला है। अभी थोड़ा सा पानी वगैरह पीता हूँ, बहुत बहुत ताबड़तोड़ ठंडी है। अभी टाइम हुआ है 4 बजने के लिए, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा सोलापुर में। थोड़ा सा उधर नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे तुरंत ही, नहीं पहले इधर सोलापुर में पहुँचने से पहले एक जगह है उधर चाय बहुत बढ़िया मिलती है, उधर चाय पीऊँगा और फिर निकलूँगा। नींद तो वैसे कुछ आई नहीं है मुझे क्योंकि निकलने से पहले 2 घंटे मैंने सो लिया था। चल चलो अभी निकलते। तो ये लोग दोस्तों, ये वाला वो होटल है जिधर चाय बहुत बढ़िया मिलता है, जयशंकर। ये सारी चीज़ें भी मिलती है इधर। अच्छा सभी की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। यह आया है मेरा चाय और सोलापुर बचा है 26 किलोमीटर्स। वैसे चाय पीने की कुछ ज़रूरत नहीं थी पर इधर बहुत बढ़िया मिलता है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं रुका हूँ। और महाराष्ट्र में सोलापुर की शेंगदाना चटनी बहुत फेमस है, ये भी इधर बहुत अच्छी मिलती है। सोलापुर से पहले 26 किलोमीटर पे ही है शिवशंकर करके होटल है, ओवर ब्रिज के पहले। चाय पी के तो हो गया है मेरा, अभी निकल रहा हूँ मैं तुरंत, बहुत ठंड है बाहर इसलिए जल्दी भाग के जा रहा हूँ कार में। दोस्तों अक्कलकोट में तो पहुंच चुका हूँ मैं पर यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर इस साइड मंदिर है, पार्किंग भी उसी साइड मिल जाती है पर आज बहुत भीड़ है इसलिए बाहर ही किधर तो लगाना पड़ेगा पार्किंग को गाड़ी, अंदर लेने जा सकते हैं। इधर गाड़ी लावली, ये इधर गाड़ी लगाया है, बहुत दूर आके गाड़ी लगाया है तो पूरा भरा हुआ है, सभी जगह पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्किंग के लिए, जगह नहीं मिल रही है। और दर्शन के लिए लाइन भी बहुत लंबा है, सब बोल रहे हैं मेरे मामा। पहली बार इतनी भीड़ देखी है मैंने। तो दोस्तों ये मेरे अक्कलकोट तक की जर्नी का ये वीडियो था। अभी ये वीडियो मैं इधर एंड कर रहा हूँ, अगले पार्ट में आपको सारी जगह के दर्शन मिलेंगे, मतलब अक्कलकोट में जितने भी भगवान के स्थल है उधर जाके मैं आपको दर्शन दूंगा।